मस्त लोकेशन है, नीला नीला आसमान दिख रहा है चारों तरफ, और हमारा बाइक भी लगा दी है और इस टाइप का झाड़ है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मोटर ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आ चुका हूँ कहीं अलग लोकेशन में, जो कि आप देख सकते हैं, और कुछ इस तरह सा व्यूज है यहाँ पे। तो गाइस, ऐसा है कि काफ़ी दिनों से मैं मोटर ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए कुछ कारण था, क्योंकि हमारे गुरु रोहन सर चले गए अमेरिका, जो कि उससे रिलेटेड वीडियो वगैरह मैं बनाता था, और उन्होंने बोला है भाई तुम काम अच्छा कर रहे हो, लेकिन अभी थोड़ा अभी कुछ जनरेशन से तुम्हें चलना पड़ेगा, जो कि मुझे भी लग रहा है कि अब थोड़ा कुछ अलग करना पड़ेगा। मैं ऐसे लोकेशन पर आया हूँ जहाँ पे राइडिंग वगैरह काम नहीं कर रहा होता है, और दूसरा कुछ सिनेमेटिक शॉट मुझे बोले कि रोहन भाई के कुछ सिनेमेटिक शॉट लो स्लो मोशन में, उसको शूट करो, एडिट करो, डालो, कैसा लगता है बताओ। बने रहे हमारे चैनल पे, काफ़ी दिनों से मोटर ब्लॉगिंग नहीं लेके आया था, तो आपके सामने कुछ नया कुछ अच्छा लेके आने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और अपने रिजवान राइडर भाई को आगे बढ़ाएं। तो इसी तरह से भाई हम शूट वगैरह करते हैं, और लोकेशन वाइज कहीं और कहीं किसी दिन जाएंगे तो ज़रूर आपसे मिलेंगे और बात करेंगे, है ना। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे और राइडिंग का मज़ा लीजिए। ये आ गए हम लोग जस्ट इन ऑर्बिट के पीछे, और यहाँ पे काफ़ी सारा पब्लिक आती है सुबह सुबह गार्डन में, जो कि घूमने के लिए, और ये रोड का काम चालू है ये साइड में। तो भाई इंश्योरेंस वाले को बोल बोल के थक गया भाई, इंश्योरेंस करवाना है गाड़ी का, लेकिन भाई वो टर्की पर टर्की दिए जा रहे हैं आजकल कर रहा। गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है भाई, गाड़ी कभी किसी दिन छुपा गया हो गया तो इंश्योरेंस कवर नहीं होगा भाई, मेरा इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, उसको सोच रहा हूँ करवा लूँ, ताकि कल के दिन पे गाड़ी पे कुछ भी नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कवर तो होगा, ज़्यादा नहीं 1000 के अंदर ही रहेगा, 1000-1200 से ज़्यादा नहीं रहेगा, करवाना बहुत जरूरी है। बारिश का मौसम बना दिया है, चारों तरफ से बारिश जैसा लग रहा है, और ये रहा है ऑर्बिट के पीछे बैक साइड वाला रोड, जो कि यहाँ से मेट्रो स्टेशन आ जाता है, और अभी हम मेट्रो स्टेशन वाला ब्रिज पार करेंगे। गोप्रो इसलिए नहीं लगा है कि गोप्रो का थोड़ा बैलेंस वगैरह करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, इसके लिए गोप्रो भी ज़्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ, लगाएंगे किसी दिन आपके कहने में। बहुत ही अलग दिमाग का है मेरी गाड़ी, जहाँ बंद होना चाहिए वहाँ नहीं बंद होता, जहाँ नहीं बंद होना चाहिए वहाँ बंद होता है। यहाँ पे यार पुलिस की गाड़ी हमेशा रहती है और चेकिंग चालू रहती है, तो नॉर्बिट के पास मैं थोड़ा संभल के आया आप लोग, ताकि आप लोग को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। और आज ट्रैफिक कुछ ज़्यादा है, 15 अगस्त की वजह से ट्रैफिक तो छुट्टी होना चाहिए, खाली होना चाहिए, लेकिन आज ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। Thank you.
देख सकते हो सिग्नल मिला है, सिग्नल क्रॉस कर पाते कि नहीं ये देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा सेकेंड का सिग्नल नहीं मिल रहा है। ये लोखंड की गाड़ी आ रही है, जिससे थोड़ा काफी पीछे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर गलती से अगर वो छक्का तकलीफ हो जाएगी। तो आराम आराम से भी हम लोग निकल रहे हैं राइड पे, देख सकते हो सामने रेनेसांस होटल दिख रहा है, काफी नामी है। और ये आ गया अब्बा ब्रिज, यहाँ से भी हम लोग निकल चुके हैं। तो कमेंट करके बताओ भाई राइडिंग में अभी आजकल बंदे लोग किधर जा रहे हैं, मुंबई से कोई जा रहा कहीं बाहर, प्लान करते हैं यार नासिक घूमने, महाबलेश्वर कहीं चलते हैं यार राइड के लिए। ग्रुप में कोई रहेगा तो भाई कमेंट करो व्हाट्सएप में। समझदारी दिखाया ये कार वाला ने, तो गाड़ी जा रहा था ये स्लो कर दिया, क्योंकि भाई रिक्स रहता ना भाई कि तुम गाड़ी चला रहे हो पास में और आगे लोखंड का है, समझ जा रहा है पूरी बना कर रखो, कभी भी कुछ भी घटना होने का संभावना नहीं रहता है ना। और डिस्टेंस तो कम से कम 15-20 फीट का बना कर रखो, कभी ब्रेक मारा कुछ मारा एटलीस्ट उसको टाइम मिले चाहे नहीं मिले तुमको टाइम मिल जाएगा भाई, है ना। तो हमेशा ध्यान रखने का बाइक चलाने के टाइम पे गाड़ी से 15 फीट का डिस्टेंस रखने का ही रखने का। आजकल के नौजवान लोग कैसे राइडिंग करते हैं भाई, कभी भी कहीं भी घुसा देता है। सेफली गाड़ी चलाओ यार, आगे पीछे घर पे है तुम्हारे, वेट कर रहे, ध्यान रखो कि भाई कट की मारने के चक्कर में तुम नहीं डूब गए। अभी ये सामने जो गया गाड़ी वाला भाई, गाड़ी का माइलेज तो बहुत कम देता है, लेकिन ये मारने के चक्कर में खुद भाग जाते हैं, इतना दूर पहुंच जाते हैं कि उसके घर वाले भी नहीं पकड़ पाते, ये चीज नहीं होता। अब देखो इतना छोटा गाड़ी है, घपाघप घपाघप घुसा के निकल गया, अगर ये तो होता है। तो ये कट मारते हुए मैं भी निकल रहा हूँ, अपना सिग्नल आ चुका है तो गाड़ी का सिस्टम बहुत ही खराब है, तो समझ रहे हो गाड़ी कहीं भी ना अच्छे से मारता है और बंद हो जाता है, ये चीज नहीं होना चाहिए। और ये हमारा आ गया गोरे गांव, जो कि आता है मुंबई लाड़ गोरे गांव रोगेश्वरी राम मंदिर, ऐसा स्टेशन है रेलवे का।
तो भाई गाड़ी पार्किंग में लगा के अभी जस्ट अभी हम लोग निकल चुके हैं जॉब के लिए, और ये हमारा पार्किंग लॉट है। ये ग्राउंड फ्लोर से जस्ट अभी हम लोग बाहर निकले हैं, हेलमेट उतारूंगा बाहर जाके, ठीक है। चैनल में बने तो चैनल को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाने का मत भूलना। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय महाराष्ट्र।